आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है। ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सौबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है सैयदना सौबान का कौल, मरफू ज़ईफ है लेकिन ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। ये खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे यह बात भी पता चल गई कि यह इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्ला बन चुके हैं इधर से, बहरहाल हम वो नहीं, अब ये नहीं, अब यहां पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया, ना रखने वाला भाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाहर रूह अफ़ज़ा लिख दें तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी, काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद अब्दुल्ला, किसी और बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी, किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे, इस तरह इमाम महदी ना बनना है। ये इस तरह जाली तरीके से, ना तो कोई खुरासानी बनना है तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। ये अल्लाह ताला उम्मत को खुद ब खुद उस हवाले से, वरना तो कादियानियों का पता है MTV है, मुस्लिम TV कादियानियों का है, तो नाम तो उन्होंने MTV रखा है, तो कादियानी क्या मुसलमान है? तो इस तरीके से अगर कोई लश्कर खुरासानी रख के जो है वो मुसलमानों का कतले आम शुरू कर देता है और वही कहता है जी मैं कोई इमाम महदी के उसके ऊपर चल रहा हूं और काला झंडा भी उठा लिया हुआ, तो इससे तो कुछ भी नहीं बनना। ये काली पगड़ी पहन के तो नहीं कुछ बन जाना, ये तो सारा मेकअप है आप कर ले। वो अशफाक अहमद साहब सही बात करते थे कि जिस जहाज का इंजन खराब हो चुका है उसको आप पेंट करके नई सीटें लगा के उड़ा नहीं सकते, इंजन तो खराब है ना अंदर से। तो आप ये लेपा पोती कर रहे हैं, मौलवी दाढ़ी लंबी लंबी रख लें, पगड़ियां बांध लें, कुर्ते शलवारें ऊपर उठा लें, टखनों से गन्ने पर उठा लें, तलवारें उठा लें, इस तरह करने से कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी या उसके ग्रोह का बंदा तो नहीं मान जाएगा। वो तो जब मामला होगा उसी वक्त होगा। और इस तरीके से आजकल ये मैं गज़वा हिंद वाली भी अक्सर लोग पूछते हैं, ये खुदुजन जमात उदावा वाले लश्कर तैयबा और ये बाकी लोग वो रवायत लेके चल रहे होते हैं, वो रवायतें तो उसकी तकरीबन सारी ही ज़ईफ़ हैं, सिर्फ एक ही उसकी सही रवायत मौजूद है सुन निसाई के अंदर, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3177 नंबर है। एक चैप्टर का नाम भी इमाम निसाई ने बांधा है गज़वा हिंद के नाम से, उसमें एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई 3177 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और एक इंटरनेशनल नंबरिंग जो चल रही है वो उसमें 3175 है, दो का फर्क है। बल उसमें यह रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको आग से आजाद कर दिया है। पहला वो कि जो हजरत पहला ग्रोह वो जो कि हिंद के गजबे में शरीक होगा। गजबा कहते हैं लड़ाई को, कोई भी लड़ाई हो। ये जो गलत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में शामिल हो वो गजबा होता है और जिस जो आप भेजें वो सरिया होता है, ये बिल्कुल जाली बात है, ऐसा नहीं है। ये कोई नहीं, गजबा कहते ही लड़ाई को है, सरिया कहते हैं रात के वक्त निकलने को। तो गजबा या सरिया की ये टर्म्स बाद में लोगों ने डिवाइस किए हैं, वरना जो ये गजबा मौता बोला जाता है उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थे शामिल, आप तो मदीना शरीफ में बैठे हुए थे जिसमें खालिद इब्ने वलीद वो रोमन अंपायर से बचा के लेके आए थे लश्कर, पहले सैयदना ज़ैद इब्ने हारसा शहीद हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया गया, मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया, मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा को शहीद कर दिया गया, अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ जो है मुसलमानों की वो जो है वो सपा सलारी आ गई है। ये सही बुखारी में हदीस है, मैंने इल्म गैब वाले लेक्चर में बताई है, मसला नंबर 6A में अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया इतने 100 किलोमीटर दूर का मंजर, तो आप तो मौजूद नहीं थे, इसे गज़वा मौता कहा जाता है, हालांकि गजबा तो नहीं था। ये गजबा और सरिया की जो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इसे बरेलवियों ने हाजुर नाजर का अकीदा निकाला है। वो कहते हैं ये देखें गजबा हिंद है तो आप सब खुद भी आएंगे इसमें, और भाई ये पहले एक अकीदे ही जाली बनाते हो फिर उसमें फिटिंग करते हो बातें। गजबा मौता में बिल्कुल अल्लाह के नबी तो शामिल नहीं थे, वो क्यों गजबा मौता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल जाली बातें, किसी हदीस में ये तफरीक नहीं है। ये सुन निसाई 3177 के दो ग्रोहों को अल्लाह ने आग से बचा लिया है, नंबर एक जो गज़वे हिंद में शामिल होंगे और नंबर दो ईसा इब्ने मरियम के साथ जो लोग शामिल होंगे। इसमें भी इशारा मिल रहा है कुर्बे क़यामत में ही कोई मामला होगा। वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने ऊपर ये बिशारत लगाता रहा बनू मैया का,
महमूद गजनवी जो है वो हमले करता रहा दौलत की लालच के अंदर इधर आके इंडिया में, और वो सोमनाथ में हमले करता रहा। क्या सूफी लोग थे सारे, दरबारों में बैठने वाले लोग थे, ठीक है, ये लोग इस्लाम के लिए आए थे। आप क्या समझते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर इस्लाम की खिदमत करने आया था यहां पे? ये मुसलमान हुक्मरान थे, इस्लामी हुक्मरान तो नहीं थे। ये उसी तरीके से थे जैसे चंगेज खान था, बस ये था कि इनके साथ मुसलमान का टाइटल लगा था, बाकी है तो मुसलमान थे ये, हम नहीं कहते काफिर थे, लेकिन इस्लामी घूमते तो कोई नहीं थी। तो इस तरीके से वो मोहम्मद बिन कासिम अपने ऊपर लगाता रहा, उसके बाद महमूद गजनवी अपने ऊपर लगाता रहा, आज लश्कर ए तैयबा अपने ऊपर लगा रही है। ओ भाई ये कुर्बे क्यामत में होना है, वल्लाहु आलम ये किसके ऊपर फिट होती है। और बाकी आपको तो वैसे ही हम बिशारत दे देते हैं, सही मुस्लिम में 553 नंबर हदीस है इंटरनेशनल अमरी के मुताबिक, जिसने पूरे खुशू गुजू के साथ वजू किया और दो रकत पढ़ ली तहियतुल वजू जो है पूरी तवज्जो के साथ, उस पर जन्नत वाजिब होगी। तुसी पाई ना बैड़ी बेड़े शामिल हो तो ना जनाब तुसी कस्तनतीनिया दे हमले शामिल हो, तुसी घर बह के पाई जन्नत की बिशारत ले लो, सही मुस्लिम 553, उस तो बाद जो मर्जी करते रहो। इस तरीके से नहीं, वो वक्ती तौर पर जरूर जन्नत वाजिब हो जाएगी, लेकिन बाद में भी करतूत देखने होंगे, अल्लाह ताला की कोई स्पेशल प्रोटेक्शन हो तो फिर ही बंदा बचता है। तो ये इस तरीके से लोग जो बिशारतें फिट करते फिरते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। मैंने आपको मिशकात का बता दिया कि अगर किसी को शौक हो तो ये मिशकात का पूरा चैप्टर जो है, 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे हैं, 142 अहदीस है इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक, 5379 से 5520 तक, ये आप कुर्बे क्यामत की निशानियों के ऊपर पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, अगर जिस बात ने मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुम।